नमस्कार गाइस, नमस्कार, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो गाइस, हम यूएई वालों का सबका मोए मोए हो रखा है कल से। कल से लोग घरों में कैद हैं, घरों में बंद हैं। आप बाहर का हाल इस तरह से देख सकते हैं, बाहर जो लबालब सड़कें हमारी भरी हुई पानी से। तो कुछ थोड़ा सा नज़ारे आपको दिखा देते हैं। एक दिन की बारिश ने क्या हाल कर दिया हमारे सड़कों का, हमारे गलियों का, हमारे चौबारों का। नीचे में डूबना तुम तो यहाँ आगे के हाल ऐसे हैं कि लोगों के यहाँ यहाँ तक का पानी भरा हुआ है। और लोग देखो, कल कुछ कर्मठ सिपाही अभी भी लगे हैं लोगों के घर में सामान पहुँचाने में, तो हैट्स ऑफ टू देम। और बाकी जो और लोग हैं, जो ऑफिस वाले हैं, सबकी आज छुट्टी छुट्टी तो नहीं है, वर्क फ्रॉम होम हो रखा है। बच्चों के ऑनलाइन स्कूल पहले से चालू कर दिए गए थे बारिश आने से पहले ही। हाई अलर्ट जारी हो रखा था यूएई में कि घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बहुत खतरनाक वाला कुछ होने वाला है इस बार। और ये खतरनाक चल रहा था, इतनी डर लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम इंडिया में रहता था ना। इंडिया में हमको लगता था जब श्रावण का महीना चलता था उस टाइम जो बारिश होती थी ना, वही वाला फील आ रहा था। इस बार के श्रावण की जो बारिश हुई थी ना इंडिया में, खतरनाक वाली बारिश जब हुई थी, तो वही वाली बारिश हुई। और उस बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया यहाँ पे। लोगों की गाड़ियों के हाल देख सकते हो, और हमारी गाड़ी भी उसी तरह से आगे फंसी हुई है। हालांकि आज देख सकते हो कितनी तेज़ धूप लग रही है, और धूप में खड़े भी नहीं रह सकते, लेकिन कल इतनी ठंड लग रही थी और इतनी बारिश हुई कल, तो हाल आप देख सकते हैं बारिश से जो हाल हुए हैं। और यहाँ दुकानों के हाल देखो, इस बेचारे ने अभी अपनी दुकान की ओपनिंग भी नहीं की थी इसकी, पर चलो इसका सामान बच गया है। इतना ज़्यादा पानी घुसा नहीं अंदर, मतलब नीचे नीचे तक रह गया, बट इसके रैक्स वगैरह काफ़ी हद तक तो ख़राब हो गए हैं। उधर देखो पीछे वाले, तो आगे के हाल दिखाते हैं आपको। आगे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होता। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो रखा यहाँ पे। पहले बारिश होती ही नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से बारिश कराई जा रही है, इससे लगता है कि इनको बहुत जल्दी इस पर काम करना चाहिए। ये देखो बड़ी दिमागी यार, एक दुकानों के हाल देखो, ये दुकान है, एक आसमान की दुकान, यहाँ पे पानी से भरी हुई है। काफी नुकसान हुआ है लोगों का। ये देखो जैसे मशीन है, तो मशीन तो खराब ही हो गई होगी, है नहीं? और ये हमारी बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग के चारों तरफ का नजारा है। चल ये देखो, ये हमारी बिल्डिंग के इस साइड का नजारा। चलो चलो, अब हम बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। तो ये है कि ये हमारी बिल्डिंग है, इसके चारों तरफ स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसके चारों तरफ आप देख सकते हो। अंदर चल सीधा, कहाँ जाने? नहीं नहीं आने, इधर आ, फिर एक बार घर चल, चल घर चल, घर एक बार घर के अंदर, आप हम घर के अंदर जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा। तब देखना उधर नहीं पानी, ये देखो ये हमारे घर जाने का रास्ता है, ये देखो ये हमारे घर जाने का रास्ता है। और ये देखो, इनको घर में बहुत शौक चढ़ा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। आपको लगता है कि ऐसे में ऑफिस के लिए निकलना, गाड़ी निकालना खतरे से खाली होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चे खेला करते थे, और यहाँ पे ये हाल हो रहा था पानी के। ये पुल चल, तो चलिए रोड के इस तरफ देखते हैं, इस तरफ के नजारे कैसे हैं। इस तरफ नहीं है, इधर कम है। अरे बाप, यहाँ भी पूरे यहाँ कम थी, लेकिन थोड़ा पानी
ये थोड़ा ऊंचाई में। हाँ बाप रे, यहाँ देखो ये हाल क्या हो रहा है। बाप रे पूरे धसक चुके हैं। हर मोहल्ला हर चौबारा यही हाल है। चलो आज लाए तुम पैसे नहीं? हाँ नहीं, गन्ने का जूस भी आज भी, गन्ने का जूस कौन पिएगा ठंड में? ताला भरा हुआ है। हाँ वही तो। हाँ उसमें कस्तियाँ चला, कस्तियाँ चला नहीं पड़ा। पानी को हटने में कम से कम एक हफ्ता तो लगने वाला है ना। हाँ कब तो एक हफ्ते तक फिर से बच्चों के घरों में ही चलेंगे और ऑफिस घर से चलेंगे मुझे लगता है। ओ यहाँ से लकड़ी जो है ना, एक कचरा धोई बाप रे, यहाँ डाला इन्होंने गन्ने वाला ना, पूरा यहाँ तैर रहा। मछली गई पानी में, छपा छपा इधर भी भरा हुआ पानी। देखो सारी दुकानें अच्छा हुआ कि इन लोगों ने अपनी चल पर भीगे हुए कपड़े। आपका तो बड़ा नुकसान हो गया, ये बिजली बिजली की तार गिरी हुई है। नहीं नहीं वो करंट नहीं, पर करंट नहीं है ना। नहीं नहीं करंट नहीं, तुम्हारा तो पूरा पानी भी यहीं पे है जी। हां वही तो, यहां पानी गया अंदर। हां जी पानी अंदर भी गया, कम गया लेकिन। नहीं नहीं पूरा अंदर पानी।